ओके सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ग्रेट क्लासरूम में। हमारी ऑडिबल यस और नो, क्या मेरी आवाज आ रही है? प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिए। ये पूछना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि इसमें काम नहीं बनेगा। ओके सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ग्रेट अप क्लासरूम में और एक नए सेशन के साथ हम लोग हाजिर हैं। आज आप लोगों का एक्सपेक्टेड पेपर 5 है। जैसे आप लोगों का शेड्यूल ऑलरेडी पता है, आप लोगों को शेड्यूल आपके सामने ऑलरेडी है कि आप लोगों का हर फ्राइडे को एक्सपेक्टेड पेपर हम लोग करेंगे। अब ये ना केवल आरआरबी के लिए होगा, अब ये आपका आईबीपीएस पीओ भी फोकस्ड होगा। तो यहां पे मैंने आईबीपीएस 2020 किया है। ये ना केवल आपका आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क बल्कि आपका आईबीपीएस पीओ भी अब आपका प्रॉपरली यहां पे कवर करेगा। तो हर एक जो एक्सपेक्टेड पेपर होता है इसको बहुत सीरियस होकर दिया करें क्योंकि ये कंप्लीट पेपर होता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इस पेपर से आप श्योर हो जाइए कि 95% तक क्वेश्चन इसी इन्हीं पेपर से आएंगे। ये जो मैं आपको एक्सपेक्टेड पेपर करवा रहा हूं 95% क्वेश्चन सेम पैटर्न पे आपसे पूछे जाएंगे। तो आपके लिए एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सीरियस होकर दिया करें क्योंकि टिल लास्ट आपका सिलेक्शन इसी में बेस्ड है। राइट, सो गुड इवनिंग, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सब कुछ हमने विश कर दिया है। वेट नहीं करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे आज के कुछ मोटिवेशन कोट से, देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन कोट जो है कई लोगों ने हमें भेजा है। स्वर्णलता कहती है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन हैप्पीनेस, नेवर पुट इट इन अदर्स पीपल्स हैंड। ये देखो मैं हमेशा कहता हूं, ये मेरे आसपास जो लोग रहते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि मैं ये हमेशा इसको इंप्लीमेंट करता हूं क्योंकि भाड़ में जाए दुनिया, मैं इस चीज को हमेशा फॉलो करता हूं। क्योंकि देखो, आप गलत हो तो दुनिया गाली देगी, अच्छे हो तो गाली देना बनता ही बनता है। तो दुनिया का काम है सिर्फ आपको क्रिटिसाइज करना। तो या तो आप उनको सुन के वैसा बन जाइए या तो अपने रास्ते पर आप जीना चालू करिए। थैंक यू सो मच स्वर्णलता, थैंक यू सो मच। सेकेंड लिखा है, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी पॉजिटिव, बी ट्रू, बी काइंड। भाई सच रहो, बिल्कुल ईमानदार रहो, खुद से सच बोलो, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। खुद से सच बोलिए, उससे बेहतर कुछ नहीं होता है। शिक्षा सुंदरता और जवानी को भी मात दे देती है। लाइव एग्जाम्पल हमारे पास नेल्सन मंडेला है, अब्दुल कलाम साहब है, हमारे पास महात्मा गांधी हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनके पास सिर्फ ज्ञान था और ज्ञान के दम पे इनने दुनिया जीत ली है। तो हमेशा ज्ञान को प्रायोरिटी दें, ना कि सुंदरता या ये सब किसी मतलब का नहीं रहेगा। क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो जाए, आपने देखा होगा बॉलीवुड में कई ऐसे हीरो हीरोइन है जिनको ये नहीं पता है कि देश की राजधानी क्या है। तो वो भले उनके पास कितना टैलेंट हो लेकिन शिक्षा के कारण वो नीचे आ जाते हैं। तो इन सब में आपको अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच नरेंद्र, थैंक यू सो मच अनुप्रिया, थैंक यू सो मच स्वर्णलता। स्टार्ट किया जाए राइट। चलो तो फिर आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा और आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। करें फास्ट। चलिए बहुत शानदार। ऋषभ मैंने देखा है, जो आपने भेजा है वो मैंने देखा है, लेकिन आप किसी और प्लेटफॉर्म की चीजें हम इस प्लेटफॉर्म पे नहीं कवर करवा सकते। राइट, पर हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात सुने हम उसको। राइट, चलिए टेस्ट है तो मैं आपको समय बहुत कम दूंगा, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखना है, तुरंत उसका आंसर निकालना है। राइट, एक बार सवाल देखते हैं, सवाल क्या बोल रहा है। ऑल लेटर्स आर वर्ड, तो सारा लेटर यहां पे वर्ड होगा, सारा लेटर कंफर्म यहां पे वर्ड हो जाएगा। होप सो क्लियर। सारा वर्ड यहां पे सेंटेंस है और फिर दिया है ओनली अ फ्यू सेंटेंस आर लॉन्ग, यानी कुछ सेंटेंस यहां पे लॉन्ग होंगे और कुछ सेंटेंस जो है वो लॉन्ग आपके नहीं भी होंगे। मेरे पास दोनों की इंफॉर्मेशन है। राइट, सवाल एक बार देखिए, ऑल लेटर बींग लॉन्ग इज अ पॉसिबिलिटी। अभी बताओ क्या लेटर और लॉन्ग में कोई इंफॉर्मेशन है? क्या लेटर और लॉन्ग में कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं है। और जहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती वहां पॉसिबिलिटी ऑलवेज ट्रू होती है, यानी पहला आपका पक्का सही हो जाएगा। सेकंड देखिए, सम वर्ड्स आर लॉन्ग। अब ये बताओ वर्ड और लॉन्ग में क्या कोई इंफॉर्मेशन है? क्या नहीं है। और जहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती वहां पे डेफिनेट स्टेटमेंट ऑलवेज गलत होता है, यानी आपका सेकंड वाला गलत हो गया। राइट, थर्ड देखिए, सम सेंटेंस आर नॉट लॉन्ग। देखो इसको आप स्टेटमेंट से ही देख सकते हो कि आपको ओनली अ फ्यू का मतलब ही पता है कि कुछ सेंटेंस लॉन्ग होंगे और कुछ सेंटेंस जो है वो लॉन्ग नहीं होंगे, आपको दोनों की इंफॉर्मेशन है, मतलब आपका तीसरा कंफर्म सही हो जाएगा। तो आपका पहला और तीसरा कंफर्म आपका सही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। गेटिंग डन, क्लियर। चलो नेक्स्ट, आपके सामने ये रहा और आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। चलिए फास्ट, बहुत शानदार, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए मैं आपको समय बहुत कम दूंगा, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, हमें सबको प्रॉपर डिस्कस करना है।
तो समय कम और आपकी स्पीड थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, राइट। सवाल एक बार देखिए, नो वॉलेट्स इज बिल्ट, यानी कोई भी वॉलेट कभी बिल्ट नहीं होगा, तो कोई भी वॉलेट कभी बिल्ट नहीं होगा, सारा बेल्ट यहां पे लेदर होगा, ओके, सारा बेल्ट यहां पे लेदर है। फिर दिया है ओनली अ फ्यू बेल्ट आर पॉकेट, यानी कुछ बेल्ट यहां पे पॉकेट होंगे, और आपको यह भी पता है कि कुछ बेल्ट जो है वो पॉकेट आपके नहीं भी होंगे, आपके पास दोनों की इंफॉर्मेशन प्रॉपर है, राइट। सवाल एक बार देखिए, सम लेदर आर नॉट क्या वॉलेट, अब मुझे कंफर्म पता है कि सारा बी अगर एल के अंदर होगा तो एल का कुछ पार्ट अपने आप बी हो जाएगा, और जितना एल का पार्ट बी है वो कभी भी डब्ल्यू नहीं होगा, ये हमें कंफर्म पता है, यानी आपका पहला बिल्कुल सही, आपका पहला बिल्कुल सही, आई होप सो आपको ये क्लियर। सेकंड देखिए, ऑल वॉलेट बींग पॉकेट इज अ पॉसिबिलिटी, अभी बताओ मुझे कंफर्म पता है कि पॉकेट का वो पार्ट जो कि बी में है वो कभी डब्ल्यू नहीं होगा, पॉकेट का उतना पार्ट जो कि बी में है वो कभी डब्ल्यू नहीं होगा, लेकिन मुझे वॉलेट से पॉकेट के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं, क्योंकि सम नॉट हमेशा वन साइडेड होता है, सम नॉट ऑलवेज आपका वन साइडेड होता है, तो मुझे चूंकि वॉलेट से पॉकेट कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए आपका सेकंड वाला कंफर्म सही हो जाएगा, सेकंड वाला कंफर्म सही हो जाएगा। थर्ड पे आइए, सम बेल्ट आर नॉट पॉकेट, देखो ओनली अ फ्यू का मतलब ही होता है कि कुछ बेल्ट आपका पॉकेट होगा, कुछ बेल्ट आपका पॉकेट नहीं होगा, यानी आपका तीसरा भी कंफर्म सही है, तो यह सॉल्व फॉलो सिंपल, आपका ऑल फॉलो, आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा, डन क्लियर। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा और आपका टाइमर स्टार्ट होता है, अब करें फास्ट, फास्ट करिए। ओके, सो हाय फैज, अलंकृत, इमरान, अर्पित, आंचल, मुस्कान, साक्षी, ठीक है, ओके, इंदु पांडे, अशोक, ठीक है। समय देखिए मैं थोड़ा कम दूंगा, कोशिश करेंगे थोड़ा स्पीड में अब इंप्रूवमेंट लाएं, क्योंकि एक्सपेक्टेड नंबर 5 है, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। चेक करें सवाल, ओके, सो लेट मी चेक। देखो ऑल ब्लड आर लीवर, यानी सारा ब्लड यहां पे लीवर हो जाएगा, क्लियर, सारा ब्लड यहां पे लीवर हो गया। फिर लिखा है ओनली अ फ्यू ब्लड आर हार्ट, यानी कुछ ब्लड यहां पे हार्ट होंगे, और आपको यह भी पता है कि कुछ ब्लड जो है वो हार्ट नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ओनली अ फ्यू लगा है, ओनली अ फ्यू लगा है। फिर लिखा है सम हार्ट इज नॉट किडनी, यानी हार्ट का कुछ पार्ट कभी किडनी नहीं होगा, ये आपका टोटल स्टेटमेंट बन गया। पहला देखिए, सम किडनी आर नॉट ब्लड, अब आपको ये तो पता ही है कि हार्ट का कुछ पार्ट किडनी नहीं है, मतलब सम नॉट आपका वन साइडेड ट्रू है, सेकंड से फर्स्ट के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो रिश्ता आपका यहीं खत्म हो गया, ब्लड बहुत दूर है, यानी पहला कंफर्म गलत। सेकंड देखिए, सम लीवर आर नॉट किडनी, अब देखो लीवर से किडनी मेरे पास डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन नहीं, लीवर से किडनी मेरे पास डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन नहीं, और जहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं वहां पे आपका सेकंड वाला भी गलत, तो यस आपका दूसरा भी गलत। थर्ड पे आइए, सम ब्लड आर नॉट हार्ट, अब ये बताओ अगर मैं यहां पे देखूं ओनली अ फ्यू ब्लड आर हार्ट, इसका मतलब ये हुआ कुछ ब्लड जो है वो हार्ट होंगे, कुछ ब्लड हार्ट नहीं होंगे, तो यहां मुझे कंफर्म पता है कि ब्लड का कुछ पार्ट कभी भी हार्ट नहीं होगा, यानी आपका तीसरा कंफर्म सही हो जाएगा, तो यस ओनली थर्ड फॉलो, ओनली थर्ड फॉलो, आई होप सो आपको ये प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा, डन क्लियर, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, ये सवाल ऐसा है, ये सवाल मैंने आपको करवाया है, फिर एक बार समझ लीजिए, ये तीन आपके क्या है स्टेटमेंट है, ये दोनों कंक्लूजन ऑलवेज आपके ट्रू होंगे, ये दोनों कंक्लूजन ऑलवेज आपके ट्रू होंगे, आपको इन पांचों में से कोई और स्टेटमेंट यहां पे अटैच करना है ताकि आपके दोनों कंक्लूजन डेफिनेट ट्रू हो जाए। मैं आपको समय आराम से दूंगा, आराम से चेक करिए, बताइए क्या आएगा, आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। हेलो श्रेष्ठा शर्मा, हाउ आर यू, सो आपको पता चल गया ना रंगा रंग कहां होता है, राइट। इनने हमसे पूछा सर रंगा रंग का सेशन कहां होता है, तो मैंने कहा कि राइट। चलिए फास्ट, बहुत शानदार, हाँ मैं आपको 220 दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, 120 और लीजिए, आराम से करिए, बिल्कुल आराम से करिए, आपके दोनों कंक्लूजन डेफिनेट ट्रू होंगे, ध्यान रखना। ओके, हेलो अनूप कुमार मिश्रा, मेरे भाई मैंने आपका कमेंट आज भी देख लिया यार, एक चीज समझो, देखो क्या लिखा है, समझना बहुत ध्यान से, 30% ट्रैक्स आर मिक्स, यानी सम ट्रैक्स आर मिक्स होगा, सम ट्रैक्स आर मिक्स होगा, राइट, सम ट्रैक्स आर मिक्स हो जाएगा, नो मिक्स इज बेस, यानी 0% मतलब नो मिक्स इज बेस होगा, और फिर कह रहे हैं 100% बेस आर फास्ट, यानी 100% बेस जो है वो फास्ट हो जाएगा। अब मेरी बात समझना, सम ट्रैक्स आर सुपर, अब देखो ट्रैक्स और सुपर, अभी सुपर हमें पता नहीं है, एंड सम सुपर आर मिक्स, यानी क्या हुआ
ट्रैक का रिलेशन सुपर से भी है और मिक्स का भी रिलेशन सुपर से है, तो या तो मैं सारा ट्रैक अगर सुपर के अंदर कर दूंगा तो अपने आप मिक्स ट्रू हो जाएगा, या तो मैं सारे मिक्स को सुपर के अंदर कर दूंगा तो ट्रैक अपने आप ट्रू हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर बी ऑप्शन लीजिए। अगर मैं यहां पे बी ऑप्शन को ट्राई करता हूं, मेरी बात समझना, सारा मिक्स क्या सुपर हो जाए, तो यस अगर मैं ऑल मिक्स आर सुपर यहां मैं करता हूं तो मुझे यहां पे क्लियर दिख रहा है कि सुपर का कुछ पार्ट अपने आप मिक्स हो गया और सुपर का कुछ पार्ट अपने आप ट्रैक हो गया, मतलब मेरी दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो गई, मेरी दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो गई, मतलब सॉरी जो मेरा आंसर है वो कंफर्म बी हो जाएगा, मेरा जो आंसर है वो कंफर्म आपका बी हो जाएगा। गेटिंग समझ में आया, डन, क्लियर, डन। चलिए नेक्स्ट आपके सामने ये रहा और आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। सेम क्वेश्चन है, पेशेंस के साथ आराम से देखिए। टेस्ट है तो मैं उम्मीद करूंगा, यानी पेपर है तो मैं उम्मीद करूंगा थोड़ा फास्ट आप लोग करेंगे, राइट? ओके, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट बहुत शानदार, बहुत शानदार। ओके, अगेन बी, अगेन मैक्सिमम लोग कह रहे हैं बी ऑप्शन, तो लेट मी चेक, आराम से चेक करेंगे, राइट? सवाल क्या बोल रहे, समझना मेरी बात को। 100% डांस आर शोज, यानी 100% मतलब ऑल हो जाएगा, सो ऑल डांस आर शोज हो गया। 39% मतलब सम शोज आर ट्रॉल हो जाएगा, एंड नो ट्रॉल इज वाइस हो जाएगा, क्योंकि जीरो मतलब नो होता है। अब पहला देखो, सम वाइस कैन बी शो, अब देखो वाइस से शो आपका ट्रू हो जाएगा, वाइस से कहते शो आपका डेफिनेट ट्रू हो जाएगा, क्यों? क्योंकि शो का कुछ पार्ट वाइस नहीं होगा, सम नॉट ऑलवेज आपका वन साइडेड होता है, तो अगर मैं वाइस से शो जाऊंगा तो ये कंफर्म आपका ट्रू हो जाएगा, पहला बिल्कुल सही है। सम शो आर गुड, अब देखो कुछ शो को मुझे गुड करना है, तो या तो मैं सारा एस कंफर्म अगर मैं गुड के अंदर कर दूं तो अपने आप ये ट्रू हो जाएगा, या तो मैं सारा टी गुड के अंदर कर दूं, तो अगर मैं बी ऑप्शन देखूंगा तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि अगर मैं सारे ट्रॉल को गुड के अंदर कर देता हूं, सारे ट्रॉल को अगर मैं गुड के अंदर कर दूंगा तो एस और जी का सम रिलेशन अपने आप बन जाएगा, और जब ये सम बनेगा तो आपका सेकेंड वाला भी कंफर्म ट्रू हो जाएगा, मतलब आपका बी ऑप्शन, मतलब आपका बी ऑप्शन। गेटिंग डन, सॉल्व में आ गया, क्लियर कॉन्सेप्ट, डन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप लोगों के सामने ये रहा, इनइक्वालिटी, आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब, बताएं फर्स्ट फास्ट आंसर। ट्वेंटी सेकेंड मात्र, राइट? एक बार सवाल देखते हैं। देखो अगर मुझे जाना होगा डी से एम, देखो डी से एम की रास्ता ये है कि पहले आप जाओगे डी से जे तक, पहले आप जाओगे डी से जे तक, और फिर आप जाओगे जे से एम तक, तो अगर मैं डी से जे जाऊंगा तो मुझे क्लियर दिख रहा है यहां पे लेस देन इक्वल और यहां पे इक्वल और यहां पे कंफर्म लेस देन, तो यस जिसकी प्रायोरिटी है वो यहां मौजूद है, यानी पहला आपका बिल्कुल सही, पहला आपका कंफर्म सही। सेकंड पे आइए, सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड आपका है टी से आई, टी से आई आप क्या करेंगे, पहले आप जाएंगे टी से जे तक, फिर आप जाएंगे जे से एम तक, और फिर आप जाएंगे एम से आई तक, तो टी से जे आपका लेस देन इक्वल है, जे से एम आपका लेस देन है, और एम से आई आपका इक्वल है, मतलब जो आपकी रिक्वायर्ड है वो यहां पे मौजूद है, वो कंफर्म यहां मौजूद है, मतलब आपका सेकंड वाला भी कंफर्म ट्रू हो जाएगा, तो यस बोथ फॉलो। आई होप सो आपको ये प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा, राइट? नेक्स्ट आपके सामने ये रहा और आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब, करें फास्ट। देखिए मैं आपको समय जानबूझ के कम दूंगा, क्वेश्चन मेरे पास बहुत है, राइट? हाँ, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग है, एक मिनट, कई लोग कह रहे हैं फर्स्ट, माय मिस्टेक, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग है, यस फर्स्ट स्ट्रॉन्ग है। यहां मैं लेस देन इक्वल देख नहीं पाया क्योंकि यहां प्रायोरिटी मिलेगी लेस देन को, बिल्कुल सही है, पार्डन, फर्स्ट आपका रॉन्ग है, सेकेंड आपका सही है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, हाँ, इस पे आप क्या कह रहे थे, 120 और लीजिए। हाँ, मुझे लगा कि वो केवल लेस देन है, मैंने लेस देन इक्वल देखा ही नहीं, राइट, ठीक है, ओके, इसको देखते हैं। देखो एल से ई का रास्ता क्या है, एल से ई आप क्या करोगे, पहले आप एल से टी तक जाओगे
और फिर आपका टी से ई है यहां पे, तो अगर आप एल से टी और टी से ई जाएंगे, देखो मैं हमेशा ये ध्यान देता हूं, लास्ट वाले क्वेश्चन मैंने ऊपर देखा नीचे मैंने देखा ही नहीं, तो आपका पहला बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, पहला कंफर्म ट्रू है, पहला एग्जैक्टली आपका ट्रू है। सेकंड पे आइए, सेकंड क्या बोल रहा है, ई से एम अगर मैं जाऊंगा तो पहले मुझे ई से आई जाना है और फिर आपको आई से एम जाना है, तो यहां पे आपका लेस देन है, ये आपका इक्वल है और ये आपका लेस देन है, प्रायोरिटी ऑलवेज आपको लेस देन की देनी पड़ेगी और लेस देन यहां मौजूद है तो आपका दूसरा सही हो जाएगा। कंफर्म आपका बोथ फॉलो। मेरा कहना यह है कि आप इसको कभी बनाइए मत, कभी ना बनाइए, आप डायरेक्टली रिलेशन पकड़िए, वहां से वहां तक पहुंचाइए, अपने आप आपकी वैल्यू आ जाएगी। राइट, नेक्स्ट आपके सामने ये रहा और आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। यस, पार्डन फॉर क्वेश्चन नंबर 6 है ना, गलती से वो मैंने टिक कर दिया था, सही गलत होगा वो, मैंने लेस देन के साथ इक्वल नहीं देखा था। राइट, चलिए आराम से। राइट, 120 और ले लो, 120 और ले लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ओके, देखो आपको O से N जाना है, देखो O से N की रास्ता ये है, O से N का रास्ता ये है, पहले आप O से A फिर आप A से N जाओगे, तो यस यहां पे आपको दिख रहा है नौकर और यहां दिख रही है आपको आपको बड़ी भाभी और यहां जो क्या कहते हैं मौजूदगी है वो भी बड़ी भाभी की है, तो यस आपका पहला बिल्कुल सही, पहला आपका कंफर्म सही। सेकंड पे आइए, सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड आपका टी से ए, देखो टी से ए की रास्ता क्या है, अगर मैं टी से ए जाऊं पहले मुझे टी से आर जाना पड़ेगा, फिर मुझे R से A जाना पड़ेगा, लेकिन यहां बीच में साइन मुझे ऑपोजिट मिल गया और जब साइन मेरा ऑपोजिट होगा तो आपका सेकंड वाला गलत, कंफर्म आपका ओनली वन, कंफर्म आपका ओनली वन। आई होप सो आपको ये प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा। डन, क्लियर, नेक्स्ट आपके सामने ये रहा और आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। हार्डली 20 सेकंड का यूज करें, हार्डली 20 सेकंड का। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, हाँ एक और ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक और ले लीजिए। फास्ट 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 फास्ट, ओके सो लेट मी चेक। देखो पहले आप जाओगे डी से बी, पहले आप जाओगे डी से बी, राइट, डी से बी गए, फिर आप बी से सी गए और फिर आप सी से ई आए, तो एक बात बताओ डी से बी में आपका लेस देन इक्वल था, बी से सी में आपका इक्वल था और सी से ई में आपका ग्रेटर हो गया, मतलब एक आपका लेस है एक आपका ग्रेटर है, मतलब आपका साइन जो है वो ऑपोजिट हो गया और जब साइन ऑपोजिट तो आपका पहला वाला कंफर्म गलत, पहला वाला कंफर्म आपका गलत हो जाएगा। सेकंड पे आइए, सेकंड आपका बी से एफ, देखो बी से एफ हम कैसे जाएंगे, पहले हम जाएंगे बी से सी तक, फिर हम जाएंगे सी से ई तक, फिर हम जाएंगे ई से एफ तक, तो यहां मुझे कंफर्म दिख रहा है इक्वल, यहां मुझे दिख रहा है कंफर्म ग्रेटर और यहां मुझे दिख रहा है ग्रेटर इक्वल और यहां पे कंफर्म इक्वल, तो प्रायोरिटी मिलेगी ग्रेटर को, यानी आपका सेकंड वाला कंफर्म सही, तो यस ओनली टू इज द राइट ऑप्शन, ओनली टू क्लियरली आपका सही जवाब। होप सो आपको ये क्लियर, डन, क्लियर। हाँ, साइन ऑपोजिट ऑलवेज गलत होता है श्रीनिवास कुमार, साइन ऑपोजिट ऑलवेज गलत होता है, राइट, आइदर के कुछ रूल होते हैं वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। राइट, सो पहली आपकी पजल है, 8 बॉक्सेस हैं और अलग अलग प्लेस पे हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कौन कहां पे आएगा, मैं आपको केवल 1 मिनट का समय दूंगा, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग 1 मिनट में निकाल लेंगे, टेस्ट है, मैंने बहुत क्लासेस करवाई हैं आपकी। राइट, सो आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब, करिए फास्ट, हां और लाइक वाइक मारते जाओ यार, लाइक वाइक मारते जाओ यार, चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार, ओके, ओके, ग्रेट 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 ग्रेट,
स्पीड पे काम करिए अब, ठीक है, स्पीड पे अब काम करिए, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट। 20 सेकंड में और दे रहा हूं, 20 सेकंड और दे रहा हूं मैं, 40 पे मैं इसको खत्म कर दूंगा। और मैं आपको शानदार ट्रिक बताऊंगा कि आप बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, राइट। चलिए, सो अंशिका, गीता, राज, पीयूष, श्रेष्ठा शर्मा, अनुप्रिया, सोनाली, आयशा, निशा, राम्या, प्रज्ञा, नीलम, अभिषेक, जॉनी, शार्दुल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, फैज। चलिए ओके, सवाल एक बार देखते हैं, सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो, बॉक्स बेस्ड कभी भी आपका डेफिनेट नहीं होता, 1% केस डेफिनेट होता है अगर वो दिया हो तो, अदरवाइज 99% पॉसिबिलिटी पे डिपेंड होता है। ध्यान रखेंगे, बॉक्स बेस्ड लगभग आपका पॉसिबिलिटी पे डिपेंड होता है। कैसे, समझिएगा। जैसे अगर मैं यहां देखूं, कलर चेंज कर लेता हूं, मैं अगर यहां देखूं तो मुझे पता है यू जो है वो क्यू के ऊपर आएगा, टी के नीचे आएगा। मतलब यू जहां भी आएगा वो कंफर्म क्यू के ऊपर आएगा और कंफर्म टी के नीचे आएगा। कहां पे आएगा कोई इंफॉर्मेशन नहीं। एफ और आर के बीच में 4 का गैप होगा। अब इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए आपने एफ को यहां रखा, राइट, तो ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4 छोड़ के यहां पे आपका आर। मान लीजिए आपने एफ को यहां रखा, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 छोड़ के यहां पे आर। ये आपका क्लियर। अच्छा, आर जो है वो डब्ल्यू के ऊपर आएगा, तो आर कंफर्म डब्ल्यू के ऊपर आएगा, लेकिन मैं इसको कहां रखूं, फिलहाल तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं, फिलहाल तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं, राइट। आगे देखिए, 2 का गैप W और K के बीच में है, तो मुझे पता है W और K के बीच में 2 का गैप होगा, लेकिन इसको भी मैं कहां रखूं, फिलहाल कोई इंफॉर्मेशन नहीं। आगे देखिए, F कभी भी बॉटम मोस्ट पोजीशन पे नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां काउंट करूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसके नीचे एक पोजीशन मिनिमम तो जरूर आएगी। हालांकि 2 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम एक तो जरूर आएगी, क्योंकि बॉटम में कभी हो नहीं सकता, राइट। अब कह रहा है W के नीचे और P के ऊपर सेम नंबर ऑफ पर्सन होंगे, मतलब कंफर्म W के नीचे और P के ऊपर सेम नंबर ऑफ पर्सन होंगे। यहां तक क्लियर। आगे देखिए, K जो है वो P के 4 प्लेस अबव होगा, 4 प्लेस अबव मतलब 3 छोड़ के कंफर्म चौथा यहां पे K हो जाएगा। जितना अबव होता है उसमें आप एक घटा लेते हैं हमेशा, ही मैंने आपको हमेशा बताया था, राइट। अब कुछ कंडीशन देखिए, जैसे आपको पता है कि W और K में 2 का गैप है और R के ऊपर, सॉरी R के नीचे W आएगा, तो यहां पे मान लीजिए R यहां पे है। अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग हो गए। अब R की पोजीशन आप रख कहां सकते हैं, मान लीजिए आपने W को यहां कर दिया, तो फिर 1, 2 छोड़ के यहां पे K आएगा। K अगर यहां पे आ जाएगा तो आपको पता है W के नीचे P के ऊपर सेम लोग हैं, तो अगर मैं यहां देखूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 W की पोजीशन जहां पे है, वहां से अगर मैं 2 बढ़ा भी देता हूं तब भी नीचे 2 छोड़ के कभी मैं P को नहीं रख सकता, कभी भी मैं P को नहीं रख सकता हूं। मतलब मेरी पहली पॉसिबिलिटी यहां पे कंफर्म गलत हो गई। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट क्या हो सकता है, अब मान लीजिए मैंने W को यहां कर दिया। अब W अगर यहां पे है तो 1, 2 छोड़ के K यहां नहीं आएगा, लेकिन 1, 2 छोड़ के K आपका यहां पे आ जाएगा। फाइनली पोजीशन आपकी डन हो गई, टोटल पोजीशन आपकी डन हो गई, तो इसके ऊपर 1, 2, 3 लोग हैं, तो 1, 2, 3 छोड़ के पी आपका डब्ल्यू के ठीक नीचे आ जाएगा, पी आपका डब्ल्यू के ठीक नीचे आ जाएगा। उस हिसाब से अगर मुझे यहां देखना होगा तो पी का 1, 2, 3 और चौथे ऊपर यहां पे के आ गया, सब हो जाएंगे, तो टी यू क्यू, यहां पे आएगा आपका टी, यहां पे आएगा आपका यू और यहां पे आ जाएगा आपका क्यू, और यही इसका एग्जैक्ट आंसर। यस और नो, यस और नो प्लीज कमेंट, डन, यस और नो। देखो, बॉक्स बेस्ड हमेशा पॉसिबिलिटी होता है, आपको पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी तभी आपका आंसर आएगा। डन, क्लियर, डन। एक बार लाइक बनता है मेरे भाई, ना ठोक के एक बार लाइक कर दो मेरे भाई, ठोक के लाइक कर दो। आज कम से कम 200 प्लस तो होने चाहिए, 200 लाइक प्लस 200 लाइव, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रॉबरी आपके सामने वर्ड है, आप मुझे बताएंगे इसमें टोटल पेयर कितने बनेंगे। आराम से, पेशेंस के साथ, भागना नहीं है, मैं आपको समय पूरा दूंगा, राइट। आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब, करें फास्ट। हां, मतलब लाइक मारते जाओ मेरे भाई। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक 20 और दीजिए, हिमांशु एक बार आप चेक कर लेना, राइट, कंडीशन पूरी मैच हो रही थी।
चलिए, तो अगर मैं यहां पे वर्ड देखूं रॉबरी, रॉबरी आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है राइट, और आप लोगों का आंसर जो है बिल्कुल रंगारंग सही है, इसमें ऐसा एक भी पेयर नहीं आएगा, इसमें एक भी आपका पेयर नहीं बनेगा जो कि अल्फाबेटिकल फॉर्म में हो, और जब कोनो पेयर ही नहीं बनेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, निल। यस, निल इज द राइट ऑप्शन, निल जो है वो कंफर्म आपका सही जवाब। इसको और स्पीड में देना सीखिए राइट। चलिए नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, सो ब्लड का एक सवाल, ठीक है मुझे बिल्कुल नहीं आता, आप मेरी मदद करेंगे, इसके बिहाफ में दो क्वेश्चन, मैं आपको 60 सेकंड का टाइमर दे रहा हूं, आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। स्पीड स्पीड स्पीड, हाँ मतलब आज कम से कम 200 प्लस तो होने चाहिए मेरे भाई, है ना, हाँ मतलब सवाल हो जाएगा तो एक बार ठोक के लाइक कर दिया करो राइट, और आपके जितने प्लेटफॉर्म है वहां पे आप शेयर कर दिया करो। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ हाँ बिल्कुल सही, श्रेष्ठा शर्मा बिल्कुल सही कह रही हैं आप। चलिए बहुत बढ़िया, लगभग एक मिनट में आंसर आ गया है, जिसका नहीं आया मिलकर देखते हैं, मेरा भी नहीं आया मेरे भाई, हम लोग मिलकर करते हैं, शायद कुछ बन जाए, बात बन जाए राइट। देखो क्या लिखा है, रवि इज द सन ऑफ सुषमा, यानी रवि जहां होंगे वो बिटवा जी हो जाएंगे किसके, सुषमा के, है ना। अब सुषमा यहां पे मेल फीमेल फिलहाल कोई इंफॉर्मेशन नहीं। आगे देखिए, सिमरन इज द सिस्टर ऑफ रवि, तो सिमरन कंफर्म यहां पे सिस्टर हो जाएंगे, सिमरन कंफर्म यहां पे सिस्टर हो जाएंगे, यहां तक बात क्लियर। दीपक जो है वो राहुल के ससुर हो जाएंगे, तो दीपक अगर राहुल के ससुर हैं, और अगर मैं इसकी एक पॉसिबिलिटी बनाऊं, अगर राहुल के ससुर दीपक हैं तो मेरे पास एक पॉसिबिलिटी ये होती है, अगर मैं सिमरन के पति परमेश्वर को अगर मैं यहां पर राहुल कर दूं, अगर मैं यहां पर राहुल कर दूं, तो सुषमा के पति यहां पर दीपक जो कि मेल और सुषमा यहां पर फीमेल, तो यहां पे ये एक पॉसिबिलिटी है जो कि गलत भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, राज इज द सन ऑफ सिमरन, तो राज कंफर्म सिमरन हो जाएंगे, वो सिमरन के बेटे हो जाएंगे, पूरा डीडीएलजे चल रहा है। काजोल इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ सिमरन, तो सिमरन की अगर सिस्टर इन लॉ काजोल होगी तो यहां पे कंफर्म ये जो रवि है इनकी पत्नी कंफर्म काजोल हो जाएंगी, और ये प्रॉपर कंडीशन इस टाइप से बन जाएगी। यस और नो, यस और नो, गेटिंग डन, क्लियर, पूरा कॉन्सेप्ट डन। तो यस, आपका तीन जो मैरिड कपल था वो प्रॉपरली यहां पे बन गया है, कोई डाउट किसी को, क्लियर। चलिए ओके, सो आपके सामने दो क्वेश्चन, फास्ट आंसर, हां मतलब लाइक करते जाओ राइट। नहीं नहीं डिफाइन कर सकते, ज्योति कभी नहीं डिफाइन कर सकते, कभी नहीं राइट, नाम से हम डिफाइन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं राइट। देखो 199 है ना, थोड़ा ऐसे लाइक मार दो, है ना, थोड़ा लाइक ऐसे मार दो। चलिए पहले का आंसर डी, पहले का आंसर डी, सेकंड का आंसर यहां पे सी, रवि जो है वो राज के मामू हो जाएंगे, क्योंकि राज की जो माता जी है वो सिमरन है, सिमरन के भाई यहां पे रवि हो जाएंगे, तो ये कंफर्म मामू जान हो जाएंगे। तो पहले का डी, सेकंड का सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये कोई वर्ड है यार, पता नहीं क्या है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, तो आप मुझे बताइए इसमें पेयर कितने बनेंगे, ये वर्ड मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा हूं, तो आप मुझे बताइए यार, मेरी अंग्रेजी बहुत खराब है, सोच रहा हूँ कहीं से मतलब तैयारी हो, बताओ यार मतलब क्या किया जाए, सुने आप लोगों को अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है, सुनने में आया ऐसे, हम बताइए। ओके 120 और लीजिए, पेशेंस के साथ, पेशेंस के साथ, है ना, भागना नहीं है, पेशेंस के साथ। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हेलो सौरभ मेरे भाई, आ गए, देर आए लेकिन दुरुस्त नहीं, तंदुरुस्त आ गए। चलिए ओके, कई लोगों को यहाँ पे डाउट है तो मैं इसको लिख लेता हूँ, क्योंकि पढ़ तो मैं पाऊंगा नहीं, पता नहीं क्या लिखा है, सैनिक दोचे, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, सो मैं इसको लिख लेता हूँ खाली राइट।
मुंह से बोलूंगा तो है ना फालतू। अब देखिए एक आपका पेयर जो है वो यहाँ पे सी से डी हो जाएगा, एक पेयर आपका सी से डी मुझे क्लियरली दिख रहा है राइट। नेक्स्ट आपका जो पेयर है वो आपको यहाँ पे एक और दिख रहा होगा क्लियरली, दिख रहा प्रॉपर, एक आपका सी से ई का पेयर है ये भी आपका दिख रहा है राइट। क्या और बन सकते हैं, क्या क्या और बन सकते हैं क्या, प्लीज कमेंट, क्या और बन सकते हैं क्या। यस, एक और पेयर आपका बनेगा अगर आप एच से चलना चालू करें एन तक, लेट मी चेक, एच आई जे के एल एम एन, अगर आप एच से चलना चालू करेंगे एन तक तो आपको एच से एन का भी एक पेयर रंगारंग मिल जाएगा। यानी एक रंगारंग पेयर आपका सी से डी का है, एक पेयर आपका सी से ई का है और एक पेयर आपका एच से एन का है, यानी टोटल आपके तीन पेयर क्लियर, तीन पेयर मतलब आप सिंपल आपका डी ऑप्शन। तो यस, डी इज द राइट ऑप्शन, डी जो है वो क्लियरली आपका सही जवाब। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा, डन। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक रैंकिंग बेस्ड आपकी पजल है। यार ये मुझे बिल्कुल नहीं आ रही, मेरी हेल्प करें, और मेरी हेल्प क्या, आपको अपनी हेल्प करनी है। टेस्ट चल रहा है आपका, एक्सपेक्टेड पेपर है आपका राइट, सो आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब, करें फास्ट। चलिए बहुत शानदार। हाँ यार मतलब लाइक करते जाओ है ना, और लाइव भी, हाँ देखो 200 प्लस तो आज हो गया, 200, थैंक यू सो मच फॉर 200, थैंक यू सो मच फॉर 200। इस फैमिली को हमें और बड़ा करना है, वन डे हम लोग 1000 लाइव पे खेलेंगे राइट। बताएं फास्ट, बहुत बढ़िया, ओके, मुश्किल था, कोई बात नहीं, थोड़ा आप मदद करना, थोड़ा हम मदद करेंगे, अपने आप रंगारंग चीजें हो जाएंगी राइट। चलिए ओके, यस श्रेष्ठा, यस 200 हो गया है ऐसे बस लाइक भी 200 कर दो, अगर जिनका डन हो गया वो कर दें राइट। सवाल एक बार देखते हैं, 6 लोग हैं, देखो कैसे बनेगा, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह। अब मुझे एग्जैक्ट पोजिशन नहीं पता कौन कहां पर आएगा, लेट मी चेक एक बार चेक कर लेते हैं। तो सी की जो हाइट है वो 170 होगी, तो सी जो है वो 170 लेके घूम रहे हैं, डी कभी टॉलेस्ट नहीं होंगे ओके, एफ जो है वो ए से छोटा और ए जो है वो सी और डी से छोटा, यानी एफ जो है वो कंफर्म ए से छोटा होगा और ए जो है वो सी और डी से छोटा होगा ओके। अब कुछ पोजिशन तो मुझे अभी क्लियर हो रही, बाकी हम आगे चेक कर लेंगे। मात्र दो लोग ई के टॉलर हैं, तो अगर ई के टॉलर मात्र दो लोग होंगे मतलब कहीं ना कहीं ई की पोजीशन नंबर तीन पे आ जाएगी, अच्छा अगर ये टॉलर दोनों पर्सन अगर सी नहीं होंगे, जैसे लिखा है ना कि दोनों कभी सी नहीं होंगे, ये वाली लाइन लिखा है, दोनों कभी सी नहीं होंगे, तो आपको पता है सी के नीचे ए एफ है, तो आपको सी को फिर यहां करना पड़ेगा, यहां आपको ए करना पड़ेगा, यहां पे आपको एफ को करना पड़ेगा, उस हिसाब से डी टॉप पे नहीं आएगा, डी कंफर्म यहां पे आ जाएगा, सब हो जाएंगे, तो यहां पे एक भाई साहब कौन बचेंगे, कंफर्म शायद बी बचेंगे, और यही आपका एग्जैक्ट आंसर, यस और नो गेटिंग डन। तो आपका बी डी ई सी ए एफ, और सी की जो पोजिशन है वो 170 हो जाएगी, सी की पोजीशन कंफर्म आपकी 170 हो जाएगी, डन क्लियर डन। चलिए ठोक के एक बार लाइक कर दो मेरे भाई, ठोक के लाइक बनता है राइट। नेक्स्ट, तो इसके बिहाफ में तीन सवाल फास्ट। गाना हम उस दिन गाएंगे जिस दिन आपके 300 प्लस यहां मुझे दिखेंगे राइट। तो मेरे अंदर का भी कीड़ा है, बहुत दिन से भरा हुआ है, और आपको तो पता है हम खलियर आदमी, कुछ नहीं हो तो गाने गाना चालू कर देते हैं, तो गाएंगे लेकिन जिस दिन 300 प्लस हो जाएंगे राइट। चलिए फास्ट आंसर तीनों में फास्ट। यदि ए का वेट 163 हो तो ई का वेट कितना हो सकता है, ई का पूछा है ना, हाँ, तो ई का कितना भी होगा 70 के ऊपर जाएगा, 70 के ऊपर मतलब कंफर्म आपका 71 हो जाएगा, 71, पहले का डी, दूसरे का सी और तीसरे का बी ओके। तो अगर आप इसको अल्फाबेटिकल अगर अरेंज करेंगे तो आपका एफ जो है वो सेम प्लेस में बैठेगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा,
सो रंगारंग पजल आपके सामने है, अच्छे से देखिए, पेशेंस के साथ करना है, भागना नहीं है, राइट? ठीक है, सो 9 लोग हैं, स्ट्रेट लाइन में हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं, आपको बताना है कौन कहां पे आएगा। चलिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब। थैंक यू सो मच अनूप कुमार मिश्रा, थैंक यू सो मच। होगा मेरे भाई, आपने बोल दिया ना, हो जाएगा, आपने बोल दिया बस हो जाएगा, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। चलिए बहुत शानदार, चलिए बहुत बढ़िया। पेशेंस के साथ आराम से, भागना नहीं है, राइट? बहुत शानदार पजल में लेके आया हूं आज, मतलब मजो ही आ जाएंगे। ग्रेट, नेक्स्ट एक मिनट। अभी तक मुझे एक आंसर मिला है फ्रॉम राज, नाउ नेक्स्ट फ्रॉम कृतिका, राजीव, शार्दुल एंड अजय। थैंक यू सो मच अजय मेरे भाई, थैंक यू सो मच। सुप्रिया, सोनाली, सौरभ, प्रियांशी, ओके, बताएं क्या बनेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ओके, एक बार सवाल देखते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं आता, राइट, मिल के चेक कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। 9 लोग हैं तो मैंने ऐसी दो पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगेन देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहला देखिए, आई कभी भी किसी अंतिम छोर पे नहीं आएगा, तो आई कभी भी किसी अंतिम छोर पे नहीं आएगा। ए कभी भी किसी एंड पे नहीं होगा, लेकिन ई के सेकंड राइट में होगा, यानी मैं ई को जहां रखूंगा उसके सेकंड राइट में यहां पे ए हो जाएगा, लेकिन अब ये कहां पे फिलहाल कोई इंफॉर्मेशन नहीं। 2 का गैप जी और बी के बीच में है, बी कभी अंतिम छोर पे नहीं आएगा, तो जी और बी में 2 का गैप होगा, बी कभी अंतिम छोर पे नहीं आएगा। एफ जो है वो सी के चौथे लेफ्ट में होगा, मतलब सी अगर यहां पे है तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे में यहां पे एफ आ गया, लेकिन अब ये कहां पे फिलहाल कोई इंफॉर्मेशन नहीं। आगे देखिए, डी किसी अंतिम छोर पे बैठा हुआ है। अब पहली मुझे एक कंफर्मेशन मिली, क्या करेंगे आप इसे, आप मान लीजिए डी को या तो यहां रख दीजिए, या तो आप डी को यहां रख दीजिए, कहां पे आएगा फिलहाल कोई इंफॉर्मेशन नहीं। अच्छा, बी और ई में 3 का गैप है, सो बी और ई में 3 का गैप है, अब ये कहां पे, इसके रिगार्डिंग में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। और डी और जी में 4 लोग होंगे। अब देखो आपकी पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी, यहां से पूरी बातें क्लियर होंगी। मान लो पहले हमने ऊपर वाली पॉसिबिलिटी ली, 1 2 3 4, यहां पे जी आ गया, यहां पे जी आ गया, जी और बी में लोग कितने हैं, 2, और बी कभी कहां नहीं आएगा, अंतिम छोर पे, इसका मतलब यह है 1 2 छोड़ के यहां पे आप बी कर दोगे, यहां पे आपने बी कर दिया, यहां तक बात क्लियर, ये प्रॉपर क्लियर है। और देखिए, अब मान लीजिए सी का चूंकि चौथा लेफ्ट है और वहां पे एफ आएगा, तो मान लीजिए अगर मैंने, अच्छा बी और ई में 3 का गैप है, बी और ई में 3 का गैप है, तो आपका 1 2 3, यहां पे आपका ई आ गया, यहां पे आपका रंगारंग ई आ गया, आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आपको सी के चौथे लेफ्ट में एफ को रखना है, क्या कीजिएगा, अगर मैं सी को यहां रखूं, पहला, दूसरा, तीसरा नहीं बनेगा, तो मेरे पास एक पॉसिबिलिटी केवल यह है कि अगर मैं सी को यहां रख दूं तो पहला, दूसरा, तीसरा और यहां पे आपका एफ आ जाएगा, यहां पे कंफर्म आपका एफ आ गया। और अगर ई के सेकंड राइट में ए है तो ई के सेकंड राइट में ए आपका पक्का यहां पे होगा। फिर हमने पढ़ा आई कभी अंतिम छोर पे नहीं होगा, तो आई अगर अंतिम छोर पे नहीं होगा, मतलब यहां पे नहीं होगा, तो आई कंफर्म यहां पे हो जाएगा और सब हो जाएंगे। तो यहां एक भाई साहब कौन बचेंगे, एक भाई साहब यहां शायद एच बचेंगे, और यही इसका एग्जैक्ट आंसर है। सुनो, डन, गेटिंग डन, हाँ बिल्कुल। अगर मैं डॉट पॉइंट की बात करूं, डॉट पॉइंट आपका डी और जी था, स्पेशली डॉट पॉइंट था कि डी एक अंतिम छोर पे है और डी और जी में 4 का गैप है, तो यहां से आप क्वेश्चन को बहुत आराम से निकाल सकते थे। डन, क्लियर, गेटिंग डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सो 9 लोग हैं, इस बार ये सब एक सर्कुलर टेबल में है। ये पजल छोटी है लेकिन बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसमें वो सारे वर्ड्स लिखे हैं जिससे आप बहुत परेशान होते हैं, यहां पे वो सारे वर्ड्स हैं जिससे आप बहुत परेशान होते हैं, तो मैं आपको पूरा समय दूंगा, पेशेंस के साथ करना है, भागना नहीं है, राइट? सो आपका टाइमर स्टार्ट होता है, आप करें, करिए फर्स्ट।
बहुत बढ़िया। चलिए बहुत शानदार। वैसे कम से कम 200 डेली होना चाहिए, है ना? मिनिमम 200 टारगेट आप डेली लीजिए। अच्छा, जिनका हो जाए ना वो मुझे बताना कि इसमें आपको डॉट पॉइंट क्या दिख रहा है, जिनका हो जाएगा वो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ श्रीनिवास, पीतल का लोटा। हाँ यार, अब क्या बताएं, अब चांदी का चम्मच तो ले नहीं सकते, तो वही पीतल का लोटा ही ले रहे हैं, क्या बताएं। ओके सो एक मैं 60 और देता हूं। सवाल बहुत आसान है, खाली आप कुछ वर्ड्स में घूम रहे हैं जो वर्ड्स एक्चुअल में आपको बहुत परेशान करते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा एजेड जो है वो डॉट पॉइंट है। हेलो आशीष जी, आप भुवनेश्वर से हैं, आपको पजल में बहुत दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं दोस्त, मैं बस ये कहूंगा कि आप रेगुलर क्लास करिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, राइट, जरूर आपको फायदा मिलेगा, है ना? सुबह शाम नहीं, बस शाम की एक दवाई है रात को 8 बजे, राइट। चलिए ओके ओके, ये क्वेश्चन जो सीख लेगा बहुत ध्यान से, उसे इन वर्ड्स में अब कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, जो इन वर्ड्स को अच्छे समझ लेगा। मेरी बात समझना, पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं, एक चीज समझना, कभी भी ये जो वर्ड आपका लिखा होता है फोर प्लेस अबे, सपोज करो अगर यहां पे जैसे ये वर्ड है आपका फोर प्लेस अबे, तो ये जितना लिखा है ना आप हमेशा इसमें एक माइनस करेंगे, जितना लिखा है ऑलवेज आप इसमें एक माइनस। अगर चार प्लेस लिखा है मतलब बीच में तीन का गैप होगा, अगर चार लिखा है तो बीच में तीन का गैप होगा, तीन लिखा है दो का गैप होगा, दो लिखा है एक का गैप होगा, इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे, राइट। अब सवाल एक बार करते हैं, तो यहां पे नौ लोग हैं, नौ लोग हैं, तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, राइट। सवाल देखिए, कई लोग कह रहे हैं सर कि ये ए वाला पॉइंट लीजिए, ये शायद आपका डॉट पॉइंट बन जाएगा। सो ए जेड के चौथे लेफ्ट साइड में, मतलब चौथे लेफ्ट में कंफर्म एफ जेड आएगा, मतलब मैंने ए को यहां किया, राइट, तो ये पहला दूसरा तीसरा और एक छोड़ के फिर यहां पे आ जाएगा एफ, यहां तक क्लियर। एच जो है वो जी जेड के लेफ्ट में आएगा, लेकिन इसके रिगार्डिंग फिलहाल कोई इंफॉर्मेशन नहीं, इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया। ई जेड कभी भी ए का नेबर नहीं होगा, यानी ए के बगल में कभी भी यहां ई नहीं आएगा, कभी भी यहां ई नहीं आएगा, राइट, डन, क्लियर, गेटिंग। एक मिनट देख लू मैं क्या पीछे कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, ओके ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, फोर्थ कंसीडर नहीं करेंगे आप, क्या करेंगे, बीच में गैप तीन कर देंगे, बीच में गैप तीन कर देंगे, अपने आप चीजें आसान हो जाएंगे। आगे देखिए, एजेड जो है वो टू प्लेस अवे है बीजेड के इन टर्म्स ऑफ राइट, इन टर्म्स ऑफ राइट। अब अगर बीजेड के टू प्लेस अवे, मतलब बीच में एक का गैप होगा, बीच में एक का गैप होगा, मतलब बी आपका यहां पर आ जाएगा, बी आपका यहां पर आ जाएगा, यहां पर ए बन जाएगा। आगे देखिए, अब लिखा है कि CZ जो है वो FZ के तीन प्लेस अवे होगा। अब देखो तीन प्लेस अवे मतलब दो गैप, यानी एक दो छोड़ के या तो C आपका यहां पे आएगा, एक दो छोड़ के या तो C आपका यहां पे आएगा, फिलहाल अभी एग्जैक्टली कहां पे आएगा इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं, राइट। आगे देखिए, अब क्या लिखा है, GZ जो है वो J के बगल में होगा, मतलब G और J बगल अगल बगल आएंगे, मतलब G और J पक्का अगल बगल आएंगे, कहां पे आएंगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं। E जो है वो D के दो प्लेस अवे होगा इन टर्म्स ऑफ राइट डायरेक्शन, सो इन टर्म्स ऑफ राइट डायरेक्शन। ओके लेट मी चेक, अब क्या क्या हमने मिस किया, H जो है वो दो प्लेस अवे होगा G के, और G के लेफ्ट में होगा, मतलब G और H में एक का गैप होगा, G के लेफ्ट में H आएगा, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मान लीजिए अगर मैं C को यहां रख दूं, मान लीजिए C को मैंने यहां रख दिया, तो फिर मान लीजिए जी मैंने यहां कर दिया, जी अगर यहां पे, तो यहां पे आपका एच हो गया, एक पॉसिबिलिटी गलत भी हो सकती है, राइट। अच्छा ई जो है वो डी के दो प्लेस कहां आएगा, राइट में। अब मान लीजिए अगर मैं राइट में यहां कर दूं डी को, अगर मैं डी को यहां कर दूं, तो एक प्लेस छोड़ के यहां पे ई आ जाएगा, यहां पे ई आ जाएगा, और सब हो जाएंगे, तो यहां जो बचेगा वही आंसर। इज इट राइट, यस और नो?
इज इट राइट? नहीं, क्यों? क्योंकि आपका जी और जे जो है वो साथ में आएंगे, आपके जी और जे जो है वो साथ में आएंगे। अब फिर देखिए, अब फिर देखिए, मैंने इसको मिटाया, इसको मिटाया, इसको मिटाया, इसको मिटाया, इसको, इसको, अब सी की वापस पोजिशन आप ये कर दीजिए, सी की वापस पोजिशन आप एक बार ये कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, मान लीजिए जी के क्या था लाइन, जी के लेफ्ट में एच आएगा, तो अगर मैं जी को यहां कर दूं, मान लीजिए जी को मैं या तो यहां, मान लीजिए जी को मैंने यहां कर दिया, तो एक छोड़ के अगर यहां पे एच होगा तो फिर जे इसके या तो इस बगल में या तो इस बगल में, और मुझे पता है कि डी के दो प्लेस राइट में कंफर्म ई आएगा, मतलब डी के राइट में दो प्लेस आएगा, यानी अगर मैं इस प्लेस पे यहां डी कर दूंगा तो यहां पे कंफर्म ई आ जाएगा, यहां कंफर्म ई आ जाएगा, और सब लोग हो जाएंगे तो शायद यही इसका आंसर, सब हो जाएंगे तो यही इसका आंसर, यस और नो? यस और नो? क्योंकि जी और जे जो है वो कंफर्म साथ में आएंगे, और यहां से मैं ई को ऐसे हटा लेता हूं। अब देखिए डन है, अब देखिए कंडीशन आपके ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, यस और नो? तो ये वर्ड आपके सवाल बहुत आसान होते हैं, आप बस वर्डिंग में फंस जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप वर्डिंग में फंस जाते हैं, राइट? एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन आपका और, ये बहुत शानदार सवाल है, ये जिनको नहीं आता मेरे भाई बहुत शानदार, एक बार सवाल समझ लीजिए, मैं बताता हूं। देखो ए और दो अलग अलग विंग हैं फ्लोर के, ए विंग में आठ फ्लोर हैं, ए विंग में आठ फ्लोर हैं, राइट, बी विंग में दस फ्लोर हैं, तो एक में आठ है, एक में कहते दस है, आपको बताना है किसमें कौन कहां पे आएगा, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आपको बताना है किसमें कौन कहां पे आएगा, राइट? आराम से करिएगा, पेशेंस के साथ करिएगा, बहुत रंगारंग सवाल है, मैं आपको टाइमर पर्याप्त दूंगा, मैं आपको समय पर्याप्त दूंगा, इससे बेहतर कोई सवाल हो नहीं सकता है। ये अगर आपके एग्जाम में आ गया और आपने प्रैक्टिस नहीं की है, परेशान हो जाएंगे आप, राइट? सो अच्छे सवाल देखिए, नहीं आएगा तो फिर मैं करूंगा और हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे, राइट? चलिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब, करें फास्ट। हाँ यार, मतलब लाइक बनता है मेरे भाई, है ना? चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार। ओके ओके, ग्रेट, पेशेंस के साथ, पेशेंस के साथ, भागना नहीं है बिल्कुल, भागना नहीं है बिल्कुल, राइट? सवाल अच्छा है बिल्कुल, कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, इससे बेहतर सवाल हो नहीं सकता है। नॉट अ सिंगल पर्सन, किसी एक का भी अभी तक जवाब नहीं आया कि सर डन हो गया है। फ्लोर है दोस्त, फ्लोर है, अनूप कुमार मिश्रा मेरे भाई, फ्लोर है ये, फ्लोर है। ओके ओके, मतलब इनमें आपको पर्सन बिठाने हैं, कौन कहां पे आएगा, रंगारंग सवाल है श्रीनिवास मेरे भाई। नहीं बन रहा है, ओके, सर दर्द हो गया सर। चलो मैं आपको 20 सेकंड और देता हूं, इसके बाद हम लोग मिलके करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा अगर आप कॉन्सेप्ट को देखो, गीता हो सकता है आपके लिए नया सवाल हो, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं, राइट? कोई बात नहीं चंद्रिका जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अब समझे कि क्लास करना क्यों इंपॉर्टेंट है, समझ में आया क्लास करना क्यों इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि अगर ये एग्जाम में आ गए तो हम परेशान हो जाएंगे, राइट? चलिए एक बार सवाल देखते हैं, बहुत तो हुई दिक्कत। देखो एक विंग है,
ए ए विंग, ए विंग नाम का, राइट। इसमें आपके 8 फ्लोर हैं, फिर 7 हैं, फिर 6 हैं, फिर 5 हैं, फिर 4 हैं, फिर 3 हैं, फिर 2 हैं, फिर 1 है। यानी इसमें केवल 8 फ्लोर है, समझना, बहुत ध्यान समझना। सेकंड आपका विंग वी है, जिसमें 10 फ्लोर है, यानी ये आपका 10, ये 9, ये 8, ये 7, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1। तो अब इसमें कौन कहां पे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। इसमें कौन कहां पे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, राइट। लेट्स चेक द कंडीशन, बहुत ध्यान समझना। एस और एल कभी भी आजू बाजू तो नहीं आएंगे, इतना श्योर है। क्यू एक ऑड नंबर में आएगा, तो क्यू का ऑड नंबर क्या हो सकता है, या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, या तो 7 होगा, और अगर बी में रहा तो 9 भी हो सकता है। जी और एस में 3 का गैप है, तो जी और एस में 3 का गैप है, कहां रखें कोई इंफॉर्मेशन नहीं। टी कभी भी ऑड में नहीं आएगा, मतलब टी आएगा इवन में, मतलब या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8। अच्छा, जो लोगों का आंसर आ गया है, मुझे डॉट आप डॉट पॉइंट आप बताते जाइएगा कि सर ये डॉट पॉइंट हो सकता है। एन के नीचे पी आएगा, तो एन को मैंने जहां लिया उसके नीचे मैंने पी कर दिया, ओके। एम एक ऑड नंबर फ्लोर पे आएगा और 5 के ऊपर आएगा। देखो 5 के ऊपर एम या तो नंबर 7 पे हो सकता है, और एम 7 और 9 दोनों पे हो सकता है। आगे देखिए, एल और क्यू में 3 का गैप है, तो एल और क्यू में 3 का गैप हो जाएगा, ओके, ठीक है। 4 का गैप के और जी के बीच में है, तो 4 का गैप के और जी के बीच में है, ओके। अब आपसे कह रहा है एस और टी जो है वो सेम नंबर ऑफ फ्लोर पे होंगे, यानी एस और टी जो है वो सेम फ्लोर पे होंगे, सेम फ्लोर पे आपके बनेंगे, राइट। अब कह रहा है 3 का गैप पी और टी के बीच में होंगे, तो पी और टी के बीच में 3 का गैप होगा। और फिर कह रहा है कि एन और एम में 5 का गैप यहां पे बन जाएगा। अब देखो एक चीज समझना, अगर आपको यहां तक बात क्लियर, हाँ, कोई डॉट पॉइंट वाले, डॉट पॉइंट वाले हेल्प करें मेरी, कोई डॉट पॉइंट वाले हेल्प करें मेरी, राइट। अब एक चीज समझो, डॉट पॉइंट एक आपका एम और एन हो सकता है, कैसे समझिएगा। जैसे यहां पे कंफर्म मुझे केवल 7 पता है, तो मुझे पता है एम और एन में 5 का गैप है, यानी 1 2 3 4 5, यहां मैंने एन को कर दिया। तो अगर 1 में आपने 5 में एन को कर दिया, तो 1 में आप एक काम करिए 7 में एन को कर दीजिए, सॉरी 9 में कर दीजिए, तो 1 2 3 4 5 यहां पे आपका एन आ गया। ये एम और एन तो हमने डन कर लिया। और पॉइंट, नेक्स्ट डॉट पॉइंट बताइए, नेक्स्ट डॉट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट डॉट पॉइंट बताइए। अच्छा, पी और टी में 4 का गैप है क्या, ओके, सॉरी 4 का गैप है, ठीक है ठीक है, मारना नहीं, 4 का गैप है, ओके 4 का गैप है, ओके 4 का गैप है, ठीक है। हाँ, अब बताइए, अब एक चीज समझिए, अगर मुझे पता है कि टी जो है वो इवन नंबर में आएगा, और टी और एस सेम फ्लोर पे है, अगर टी इवन नंबर पे आएगा, टी और एस सेम फ्लोर पे है, तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, अगर मैं स्टार्ट करूं मान लो 2 से, मान लो मैं 2 से स्टार्ट कर देता हूं, मान लीजिए मैंने एस को नंबर 2 पे रख दिया, तो आपको टी को भी नंबर 2 पे रखना पड़ेगा। फिर आप 1 2 3 यहां पे आपने जी कर दिया, फिर जी, सॉरी ये किसमें 4 का गैप था, ये किसमें 4 का गैप था मेरे भाई, ये मैंने किसमें 4 का गैप कर दिया है, क्या क्या क्या, ए पे एन के नीचे पी नहीं आ सकता। अच्छा, एन के नीचे पी है क्या, यस, तो आपका गलत हो गया। हाँ, इन पॉइंट पे हम पहुंचेंगे, तो आपका यहां पे गलत हो गया, बिल्कुल सही, क्योंकि अगर मैं एम और एन को यहां बनाऊंगा तो एन कभी एन के नीचे पी कभी आ नहीं सकता, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आपकी ये वाली पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, एम पक्का बी पे आएगा, एम पक्का बी पे आएगा। खैर इसको छोड़ो, पहले ये बताओ, ये मैंने जी और जी में 4 का गैप क्या किया हुआ है। अच्छा, के और जी है, यस यस यस, ओके, वही मैं सोच रहा हूं कि कौन सा पॉइंट है जो मैंने गलती से कर दिया। ठीक है, तो चलो एक चीज श्योर हो गई कि हम एम और एन को यहां नहीं रख सकते, क्योंकि एन के नीचे फिर पी कहीं नहीं आएगा, एन के नीचे फिर पी कहीं नहीं आएगा, ये बात क्लियर। तो अब आपका पी आएगा या तो एन आने, एग्जैक्टली कहां फिलहाल कोई इंफॉर्मेशन नहीं। खैर, अगर मैं एल और एस की पोजिशन अगर मैं सेम कर दूं, मान लो मैंने एस को रख दिया नंबर 4 पे, मान लो टी भी नंबर 4 पे आ जाएगा, एस और जी में 3 का गैप, तो 1 2 3 छोड़ के यहां पे जी, उस हिसाब से 1 2 3 4 छोड़ के यहां पे के, ठीक है। अच्छा, टी इधर है। अच्छा, मुझे एक चीज और पता है कि एल और क्यू में 3 का गैप है, तो एल और क्यू में अगर 3 का गैप है, क्यू अगर ऑड नंबर पे आएगा, सो अगर मैं क्यू और एल को यहां रखूं, क्यू यहां पे 1 2 3 छोड़ के यहां पे एल,
तो क्यू यहां पे तो एल नहीं बनेगा, एल यहां पे नहीं बनेगा, एल यहां पे कभी नहीं बनेगा। अच्छा, और अगर मैं इसमें कहीं रखूं, मान लीजिए मैंने क्यू को यहां रख दिया, तो 1 2 3 छोड़ के यहां पे एल हो जाएगा, क्योंकि एस तो ऊपर आ नहीं सकता है। क्या ये बन सकता है यस और नो? क्या ये बन सकता है यस और नो? पी और टी में 4 का गैप है। अच्छा पी और टी, अच्छा हाँ, ओके ओके, यार मैं खुद ही लाइन नहीं पढ़ पा रहा हूं। ओके, सो पी और टी में अगर 4 का गैप होगा तो फिर काम आपका बहुत आसान हो गया, क्योंकि अगर मान लीजिए पी आपका यहां पे या यहां पे, मान लीजिए कोई पॉसिबिलिटी, सपोज कर लीजिए पी को मैंने बॉटम पे कर दिया, सो 1 2 3 4, तो आपका फिर टी कंफर्म यहां पे, क्योंकि अगर आप पी को सेकंड पे करेंगे तो आपका टी नंबर 7 पे आ जाएगा, और 7 पे नहीं होगा क्योंकि एस और टी इवन नंबर पोजिशन पे है, एस और टी इवन नंबर पोजिशन पे है, तो आपका जो पी है वो कंफर्म आएगा बॉटम पे, और जब बॉटम पे तो यहां पे आपका क्या कहते हैं वो हो जाएगा, टी हो जाएगा। अच्छा, जब टी आपका फिक्स हो गया, जब टी आपका फिक्स हो गया, तो अब आप एस को यहां पे रंगारंग फिक्स कर सकते हैं। एस की पोजिशन कंफर्म यहां पे नंबर 6, अगर एस आपका नंबर 6 पे, तो यहां से आपका जी हटेगा, एस और जी में 3 का गैप, तो 1 2 3 छोड़ के यहां पे आपका जी, उस हिसाब से 1 2 3 4 छोड़ के यहां पे आपका के, यहां तक डन, यहां तक डन, यहां तक डन, तो आपका एस के क्लियर है, एस क्लियर है, जे क्लियर है, यहां पे आपका एन क्लियर है, पी क्लियर है, टी क्लियर है, एम क्लियर है। अच्छा, बचा क्या, क्या बचा? बचा यहां पे एल और क्यू, और क्यू आपका आएगा इवन नंबर प्लेस में। अगर मुझे 3 का गैप इनमें रखना होगा, तो मान लीजिए अगर मैं क्यू को यहां रखता हूं, तो 1 2 3 नहीं बनेगा, क्यू को यहां रखूं 1 2 3 नहीं बनेगा, 1 2 3 नहीं बनेगा, और कुछ तो इसमें आपकी कहीं भी क्यू की पोजीशन हो नहीं सकती, बी वाले में कहीं भी क्यू की पोजीशन हो नहीं सकती, तो फिर आपका रंगारंग क्यू जो है वो यहां पे आ जाएगा, 1 2 3 छोड़ के यहां पे एल आ जाएगा, और आपका यही आंसर। यस और नो प्लीज कमेंट, यस और नो, यस और नो प्लीज कमेंट, डन। अगर मैं क्यू को सेकंड पर रखता तो सेकंड पे क्यू कहीं आता नहीं, इसलिए बाय डिफॉल्ट क्यू को मुझे फर्स्ट पे रखना पड़ा, तब जाके मेरी कंडीशन प्रॉपरली डन हो गई। सवाल शानदार था, यस और नो, ठोक के एक बार लाइक बनता मेरे भाई। ऐसे सवालों के लिए आपको इस क्लास में आना पड़ेगा, ऐसे सवालों को समझने के लिए आपको इस क्लास में डेफिनेटली आना पड़ेगा, राइट? ठीक है, डन, ओके। सो एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये तो खैर चलो कर लोगे, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको एज अ स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपका होमवर्क का सवाल है, इसको जरूर आप आफ्टर वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर आप मेंशन करेंगे। हमेशा हमेशा क्लास को टाइम पे किया करो, क्योंकि इससे आपका ही नुकसान होगा अगर आप नहीं आओगे तो। ये जितने भी नए कॉन्सेप्ट हैं ये सब आपके एग्जाम में पूछे आने हैं, राइट? ठीक है, सो आज की क्लास टोटल इतनी थी, ठीक है, ये आपका शेड्यूल चेंज हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट? इसके बाद एक SBI PO का बैच लॉन्च है, आप यहाँ भी इसको देख सकते हैं कि SBI PO का रंगारंग बैच 3 आपका लॉन्च है, 200 प्लस आपकी क्लासेस, 35 प्लस आपके मॉक टेस्ट, 150 प्लस आपकी PDF, 180 प्लस आपके क्विजेज, 7000 प्लस आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, हर लेवल की डिफिकल्टी यहाँ पे कवर करेंगे फैकल्टीज। साथ में मेरे भाई आपका ग्रेड अप ग्रीन कार्ड है, अनलिमिटेड एक्सेस है, सारे मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे सारे एग्जाम्स के, तो वो चीज़ आपको यहाँ मिलेगी, इसको जरूर आप अवेल कर लीजिएगा। एंड लास्ट में मेरे भाई, जब भी क्लास में आया करो लाइक जरूर किया करो, राइट, शेयर जरूर किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिया करो, राइट? ठीक है, इसके बाद हमारा ऐप है, इसको भी आप इंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ पे इंडिया के बेस्ट फैकल्टी प्रॉपरली आपको गाइड कर रही होती है। तो जो होमवर्क है उसका आंसर सबके सब कमेंट बॉक्स में प्रॉपरली मेंशन करेंगे, मैं वेट कर रहा हूं, राइट? एंड क्लासेस को मिस ना किया करें, रेगुलर रहोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि बाकी जितने बच्चे हैं वो सब अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको बस यही करना है कि आपको रेगुलरिटी मेंटेन करके रखनी है, राइट? ओके, सो टिल देन आज क्लास को ही समाप्त करते हैं, बाकी बात है नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।